हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। माय नेम इज जुरेल स्टीफन सर एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करने जिसका नाम है ट्विन वाटरफॉल। हाँ, जोड़ी वाटरफॉल है, एक्चुअली एक दूसरे के आजू बाजू में ही बहता है तो इसीलिए इसको ट्विन वाटरफॉल कहते हैं। और मैं तामडी सुरला में रहता हूँ, यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर्स है और थोड़ा ट्रैफिक भी रहने वाला है क्योंकि सिटी के थ्रू ये रास्ता जाता है, तो लगभग 1 घंटा हमें चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। हम एक्चुअली वाटरफॉल तक पूरा गाड़ी नहीं लेके जा सकते, उससे पहले 10-15 मिनट पहले गाड़ी रोक के फिर वहाँ से ट्रैकिंग करना पड़ेगा। लगभग 20 मिनट का ट्रैकिंग होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है ट्रैकिंग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली विलेज के अंदर ही है और ये ट्विन वाटरफॉल गोवा में एक बोरिम नाम का एक विलेज है, ये यहाँ बहता है। और इवन वाटरफॉल पब्लिक जगह पे नहीं, एक प्राइवेट लैंड में है, तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे वरना फिर बारिश बाद में ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस, गोवा में एक्चुअली टूरिज्म अच्छा है ऑब्वियसली, और उसके अलावा देख सकते हो मतलब छोटे से छोटे गांव में भी एक्चुअली अच्छा खासा रोड है, मतलब ऐसे कच्चा रोड आपको बहुत कम दिखने मिलेंगे। हाँ, वैसे लास्ट 2 किलोमीटर का रास्ता है ना, बहुत खूबसूरत है यार, मतलब पूरा क्या बोलते हैं, पूरा घाट सेक्शन टाइप रास्ता है, बहुत शार्प टर्न्स है जो कि बाइकर्स के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे भी बहुत मज़ा आया यार चला के। तो गाइस, मैं जहाँ ये पार्किंग लोकेशन है वहाँ पहुँच चुका हूँ और जर्नी एक्चुअली काफ़ी मस्त रहा क्योंकि घाट सेक्शन का रास्ता, जैसे मैंने बताया घाट सेक्शन का रोड था, तो गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आया। और यहाँ एक टेम्पल है, मैं टेम्पल के पास जाके वहाँ कोई है तो पूछूँगा क्योंकि यहाँ से गूगल रास्ता नहीं बता रहा है, तो यहाँ से किसी से पूछ के जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ जो टेम्पल है उसका नाम है श्री सिद्धनाथ टेम्पल और देख सकते हो ये उनका कार्यालय है और ये मेन टेम्पल है। टेम्पल आज क्लोज है और यहाँ से एक्चुअली आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, देख सकते हो पूरा। आगे तो थोड़ा झाड़ी है तो उससे व्यू देखना मुश्किल हो जाएगा, पर यहाँ देखो वहाँ एक्चुअली रिवर भी दिख रहा है। आपको पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, पर वहाँ एक्चुअली रिवर दिख रहा है और काफ़ी सुंदर है यहाँ टेम्पल से व्यू। तो मैं भी एक ट्रेल मिला मुझे, वो फॉलो करके जा रहा हूँ। आई होप ये ट्रेल मतलब सही रहे। तो गाइस, मैंने वो रास्ता चुना था वो गलत था और मैं गूगल मैप्स में सैटेलाइट व्यू में एक्चुअली देखा तभी मुझे एक्चुअली ठीक से रास्ता पता चला, वो लोकेशन पता चला वाटरफॉल्स का। तो मैं खुद ही मतलब इसे फॉलो करके जा रहा हूँ वो सैटेलाइट इमेज के हिसाब से, देखते हैं। तो यहाँ आगे एक शेड जैसा दिख रहा है, आई होप वो कोई घर हो, क्योंकि अगर घर है तो मैं उनसे पूछ के फिर जा सकता हूँ मैं सही रास्ता में हूँ कि नहीं। देख सकते हो आगे एक छोटा शेड जैसा है, पता नहीं घर है कि क्या है। तो एक्चुअली घर नहीं है, कोई शेड है। सैडली डायरेक्शन वहाँ पूछ भी नहीं सकते। तो गाइस, मुझे वाटरफॉल्स का आवाज़ तो आ रहा है पर यहाँ एक्चुअली जाने के लिए कहीं पे रास्ता भी नहीं है। यहाँ रास्ता नहीं था, कहीं पे दिख नहीं रहा था ट्रेल, तो आधे रास्ते से पूरा डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं फिर भी थोड़ा जंगल के अंदर घुस के आने का ट्राई किया और मैं सिर्फ यही तक जा पा रहा हूँ और इसके अंदर तो कुछ रास्ता ही नहीं है। देखते हैं थोड़ा और आगे जा सकते हैं कि नहीं। आवाज़ तो बहुत बढ़िया आ रहा है भाई, कोई बड़ा ही वाटरफॉल होगा, देखते हैं। तो गाइस, मैं एक्चुअली ट्विन वाटरफॉल के खोज में आया था पर पता नहीं इसी को ट्विन वाटरफॉल बोलते हैं कि नहीं। इसके ये एक्चुअली यही पानी एक्चुअली नीचे बह के जाता है, ये एक वाटरफॉल है, मुझे लग रहा है ये एक वाटरफॉल है। और यहाँ देख सकते हो ना, जो जब ज़्यादा बारिश रहता है तो यहाँ भी फ्लो रहता है,
तो इसी की वजह से इसको ट्विन वाटरफॉल कहते हैं। ये मैं एक्चुअली गेस कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला एक्चुअली कोई रास्ता नहीं मिला मुझे। जो रास्ता मुझे पहले मिला तो एक्चुअली ट्रेल आधे में ख़त्म हो गया, तो उसके बाद पूरा जंगल के अंदर मैं घुस के आया, तो मुझे नहीं लगता दूसरा कोई रास्ता है यहाँ पे। और इवन गूगल मैप्स में भी मैं देखा तो वहाँ से भी कोई अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैं सैटेलाइट व्यू में मैप डाल के फिर ऐसे चल के आ गया मैं। तो ये एक्चुअली यहाँ ऐसे देख के ऐसे नीचे चला जाता है, नीचे भी एक छोटा सा वाटरफॉल बन जाएगा वैसे, वही कि बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, सब छोटे छोटे ही है। ट्राई करते हैं नीचे जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आई थिंक अगर नीचे गए तो थोड़ा अच्छा व्यू मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से भी एक्चुअली एक छोटा सा वाटरफॉल इसे बह के चला जाता है, स्ट्रीम नहीं है वाटरफॉल है। आपको वीडियो में शायद स्ट्रीम जैसा लग रहा होगा पर स्ट्रीम नहीं है, वाटरफॉल है। मैं बोलूँगा ये काफ़ी रिमोट वाटरफॉल है, तो लेके आने के लिए भी कोई विलेजर्स नहीं थे तो मैं किसी को ला नहीं पाया। तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं, जितना हो सके उतना मैं जंगल के अंदर घुस के सब रास्ता ढूंढ लिया, इससे कोई अच्छा व्यू नहीं मिलेगा। तो जो पहले वाला जो छोटा सा मिला था ना, तो वहीं पे जाएंगे, उसी का थोड़ा मज़ा लेंगे, उसी का थोड़ा आनंद लेंगे और निकल जाएंगे और क्या करेंगे, है ना। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, वापस जाऊँगा, अगली बार कुछ और तरीका ढूंढ के निकाल के लाऊँगा, ताकि मैं जो फोटो में दिख रहा था वो भी लगभग ऐसे ही दिख रहा था, तो आई डोंट थिंक दूसरा कोई वाटरफॉल है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।